કોરોનાની મહામારી વચ્ચે નવી સિવિલ હોસ્પિટલના કોવિડ 19 સેન્ટરમાં 10 આયુર્વેદિક ચિકિત્સકની ટીમે બે તબક્કામાં હકારાત્મક પરિણામ આવ્યા બાદ સારવાર માટે સત્તાવાર મંજૂરી મળી ગઈ છે। કોરોના રૂપી મહામારી વચ્ચે વિશ્વ ઝઝૂમી રહ્યું છે ત્યારે સુરતમાં કોરોના પોઝિટિવ દર્દીની સારવાર માટે ભારતીય મૂળ આયુર્વેદ ચિકિત્સાનો સહારો લેવાઈ રહ્યો છે। પ્રથમ બે તબક્કામાં હકારાત્મક પરિણામો બાદ હવે કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓની રોજિંદી સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે कोविड 19 सेंटर में 10 आयुर्वेद चिकित्सक टीम ने मंजूरी अपाई है। गुजरात सरकार आयुष विभाग की मार्गदर्शिका ने अधीन सूरतना ओही नाजर आयुर्वेद कॉलेज संलग्न आत्मानंद सरस्वती हॉस्पिटल चिकित्सकों की एक टीम हाल नवी सिविल हॉस्पिटल खाते कोविड 19 सेंटर खाते आयुर्वेदिक सारवार करी रहा है। आ टीम में डॉक्टर नरेश लंबोदर, डॉक्टर संजय वर्मा, डॉक्टर नीलेश वीराणी, डॉक्टर तेजस गांधी, डॉक्टर रजनीकांत मोदी, डॉक्टर कीर्तिबेन राजा, डॉक्टर निधि मोडरिया, डॉक्टर दीपिक्षा भोजाणी, डॉक्टर निराली मालाणी, निराली गजेरा गत 18 मे थी आज दिन सुधी 150 जेटला कोरोना पॉजिटिव दर्दी माटे सतत कामगिरी करी रह्या होवानी आयुर्वेदिक कॉलेजना एमडी डॉक्टर सचिन खेडकरे जणाव्युं हतुं। मेरा नाम डॉक्टर सचिन गिरधारी खेडीकर। मैं श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती आयुर्वेद रुग्णालय सूरत यहाँ पर अधीक्षक तरीके काम करता हूँ। सद्य स्थिति में कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में महामारी चल रही है। उस महामारी में एलोपैथी या मेडिकल साइंस में अभी तक कोई कारगर दवा इसके बारे में मिली नहीं है। जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या एसोसिएट ट्रीटमेंट है उस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो की जा रही है। साथ ही साथ में ICMR तथा आयुष मंत्रालय भारत सरकार इनके द्वारा टाइम टू टाइम कुछ निर्देशक तत्व जाहिर किए गए हैं। उनमें हमारे आयुष नियामक डॉक्टर भावनाबेन पटेल तथा नायब नियामक डॉक्टर फाल्गुनभाई पटेल, इनके द्वारा भी हमें मार्गदर्शन होता रहता है और उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत हमारे रुग्णालय के द्वारा कोविड पेशेंट को सेवाएं दे रहे हैं। सद्य स्थिति में कोरोना के विभिन्न कैटेगरी के पेशेंट होते हैं जिसमें लगभग 80% पेशेंट्स असिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं। बाकी बचे हुए जो है वो मॉडरेट टू सीवियर सिम्टोमेटिक केस में होते हैं। तो इनमें से ही सबसे पहले आयुष नियामक गांधीनगर से हमको आदेश मिला था कि वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की शुरुआत करी जाए। तो इसके लिए समरस हॉस्टल सूरत में हमने हमारे यहाँ से डॉक्टर को हमने डेप्यूट किया था और उनका एक प्रोटोकॉल है मेडिसिन का, वो मेडिसिन हम उनको देते हैं। सबसे पहले सुबह में खाली पेट में एक काढ़ा बताया है जिसको हम शॉर्ट में DPT काढ़ा बोलते हैं, जिसमें तीन कंटेंट होते हैं, दशमूल, पथ्यादि और त्रिकटू। इनका लगभग 40 ml काढ़ा सुबह खाली पेट हम पेशेंट को देते हैं। उसी के बाद में संशमनी वटी गोली की दो गोली सुबह शाम भोजन के बाद में देते हैं। उसके साथ ही आयुष 64 कैप्सूल आती है, ये कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह शाम भोजन के बाद में देते हैं। इसके अलावा मधुएष्टी घनवटी ये एक गोली हर 2 घंटे में हम चूसने के लिए देते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये हमें आयुष नियामक गांधीनगर ऑफिस से हमको सूचित किया गया था और उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और सबसे पहली ट्रीटमेंट हमने असिम्प्टोमेटिक पेशेंट को शुरू करी थी समरस हॉस्टल में, और अभी रिसेंटली 18/5/2020 से सिविल हॉस्पिटल, न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत में जो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस है कोविड के, उनके लिए हमने ये ट्रीटमेंट शुरू करी है। और इस ट्रीटमेंट के लिए टोटल 3 टीम बनाई है
जिसमें एक टीम सुबह 8 से 2 बजे तक काम करती है, दूसरी टीम दोपहर में 2 बजे से 8 बजे तक काम करती है और तीसरी टीम रात्रि 8 से सुबह 8 बजे तक काम करती है। आयुर्वेदिक दवाई ये जो आई है इनमें मैक्सिम ज़्यादातर दवाई है ये पेशेंट की इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए है। उसी के साथ में इस व्याधि के जो भी सिम्टम्स होते हैं जैसे बुखार है, सर्दी है, खांसी है या सांस लेने में तकलीफ़ है, ये जो सिम्टम्स आते हैं फिजियोलॉजिकल उन सिम्टम्स को कम करने में मदद करती है तथा पेशेंट्स की जो रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने के लिए मदद करती है। लोगों का क्या संदेश देना चाहोगे? आज की स्थिति में इस बीमारी के ऊपर में कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है और आयुर्वेद ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ पर भी चल रही है तो उसे काफ़ी हद तक लाभ मिल रहा है पेशेंट्स को। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आती है उनका पालन तो करें ही, उसी के साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आपको अवेलेबल होती है तो वो ट्रीटमेंट हमने लेनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रिवेंशन हो जाए और अगर हम बीमार पड़ते भी हैं तो उससे जल्दी ठीक हो जाए। आज दर्दी नाम से तेजस जे पिठौरा वाला, कितनी उम्र से तुम्हारी सर? 43 अंदर जमा गया सर। नया जन्म कोरोना पॉजिटिव था अने स्वास्थ्य पर बीमारी थी साथ अपनी दवा 3 થી 4 દિવસ લીધી છે આયુર્વેદિક દવા ગવર્નમેન્ટનો પ્રોટોકોલ છે એનાથી જે એમને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ મળ્યું છે એમના શબ્દોમાં કહેશો એમની દવાને ઘણો સારો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે અને દવા બી અસર કરે છે અને વસ્તુ એમને જે આયુર્વેદિક દવા છે એ લેવાથી કોરોનાનો અસર બી ઓછો થઈ ગયો છે ઘણો ખરો 2 દિવસમાં। તમને કેવું લાગે છે આ દવા બીજાને માટે અપાય કે નહીં? બીજાને માટે દવા અપાય રેગ્યુલર ચલાવી અને એ સામે વ્યક્તિ રેગ્યુલર લે તો હાલ કોરોનાની દવા બની નથી ત્યારે આયુર્વેદ જ કોરોના સામે અકસીર ઇલાજ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત।